लखनऊ से, जहां सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर एक बार फिर से राड़ देखने को मिल रही है और एमपी राजस्थान में सपा की विधानसभा सीटों की मांग है, तो वहीं INTIA गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम अब तेज हो गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव आते ही राड़ अब शुरू हो चुकी है। सपा तीनों राज्यों में कांग्रेस से 34 सीटें, मध्य प्रदेश में सपा ने 6 सीटों का ऐलान किया है और कुछ और सीटों पर सपा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो वहीं तेलंगाना चुनाव में KCR से सपा ले सकती है कुछ सीटें। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से INTIA जो गठबंधन है जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सम्मिलित है, उनमें एक बार फिर से राड़ देखने को मिली क्योंकि अब सपा और कांग्रेस में एक बार फिर से सीटों को लेकर राड़ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सपा की विधानसभा सीटों की मांग की जा रही है क्योंकि जो ये राज्य है यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर अब सपा की तरफ से कवायद तेज हो गई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जहां एक तरफ पूरा विपक्ष INTIA गठबंधन में है तो दूसरी तरफ जो BJP NDA एक तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच INTIA गठबंधन में राड़ दिखना भी शुरू हो गई थी, जिस चीज़ का डर था वही अब होने लगा सीटों को लेकर। एक बार फिर से कांग्रेस और सपा में टकराव हुआ है। बिल्कुल, बात करें अगर तो कांग्रेस और सपा या कहे पूरा विपक्षी गठबंधन, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी 2024 लोकसभा चुनाव में, जब सीटों का बंटवारा होगा कि आखिर एक दूसरे से संतुष्ट हो पाएंगे कि नहीं। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर दावा ठोक दिया है अखिलेश यादव ने, वहीं छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान है वहाँ पर सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना है वहाँ पर भी सीटें, 2 सीटें कम से कम अखिलेश यादव चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस इनको 3 राज्यों में सीटें नहीं दे पाती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंतरिक कलह सामने आ रही धीरे धीरे कितना। हालांकि जो मंच से तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम मीडिया बाइट्स में कहा जाता है कि सब ठीक है, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या वो अंतिम समय तक एक साथ रह पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी बागेश्वर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो कांग्रेस वहां जीत जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके से कि जब बयान आएंगे तो निश्चित तौर पर बयानों का जो पलटवार भी होगा और कहीं ना कहीं यही पलटवार आगे चलकर के जो है दिक्कत खड़ा कर सकता है विपक्षी गठबंधन के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अश्वनी जिस तरह से देखिए कि अब सीटों, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेंगे, इसको लेकर सपा की तरफ से खासतौर पर मध्य प्रदेश में बोल दिया गया कि 6 सीटें चाहिए, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह से सपा की तरफ से भी मांग की जाएगी, कांग्रेस भी अपनी बात पर अड़ी रहेगी तो टकराव साफ तौर से बनता नजर आएगा। अगर आपसी सहमति नहीं होगी तो टकराव देखने को मिलेगा और ज़्यादा दिन तक ये गठबंधन, या फिर ये यूँ कहें कि आखिरी समय तक ये गठबंधन का टीका रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, गठबंधन तो हर बार बनता है, हर चुनाव से पहले बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अंतिम चरण तक वो बना रहता है और उसके बाद भी कई बार देखा गठबंधन होता है, चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद सरकार बनाने का मौका आता है, तब फिर गठबंधन सबसे बड़े फूट पड़ती है। तो ऐसे में गठबंधन कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो अभी की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम राज्यों में सीटें मांग रही है, कितनी सीटें उसको मिल पाएंगी ये थोड़ा देखना भी होगा। जी बिल्कुल, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जितनी सीटों की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है उतनी सीटें मिलती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर हमने समाजवादी पार्टी को घोसी में पूरा समर्थन दिया तो अगर वो उत्तराखंड में बागेश्वर में समर्थन देते तो इस तरह के नतीजे ना आते, नतीजे कुछ और होते। बिल्कुल, इसी को लेकर के सवाल खड़ा किया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने निश्चित तौर पर, क्योंकि वाकई में बताया जा रहा है कि 2000 वोट समाजवादी पार्टी के आज कैंडिडेट को मिले हैं और 2200 वोटों से शायद लंबोता जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हारी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होना लाजमी है, जब इंडिया गठबंधन का नाम दिया जा रहा है चुनाव, तब उसके बावजूद भी अगर प्रत्याशी उतारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थन
कांग्रेस ने किया था, लेकिन वही उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे गठबंधन जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दरारें भी बढ़ती जा रही हैं जी।